यानी कि जोमैटो शेयर को लेकर। इनको वैसे में कॉस्ट टॉक पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि आज फोकस में था वो था जोमैटो। शर्मिला जी, आपसे व्यू लेंगे जोमैटो पर। स्विगी ने मुंबई के कुछ इलाकों में हड़ताल कर दी, जिसके चलते डिलीवरी एजेंट्स ने वहां पर हड़ताल कर दी, जिसका फायदा यहां पर जोमैटो के प्राइस को मिला। अभी भी क्या मौके हैं यहां पर, क्योंकि अपने उच्चतम स्तर पर 52 वीक हाई पर अब आ चुका है जोमैटो, अभी भी फ्रेश एंट्री के मौके दिख रहे हैं आपको? तो जरूर ये ध्यान में रखना होगा कि स्टॉक में रन अप हो चुका है और मार्केट थोड़ी बहुत वोलेटाइल है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि किस तरह से चीजें प्ले आउट हो रही है, एक तो उनके नतीजे हम देख रहे हैं कि सुधर रहे हैं, एक तो एक हमने बड़ा करेक्शन देखा था और फिर स्टॉक थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहा, फिर रिजल्ट में रिकवरी आई और अब हम देखेंगे कि वी आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल सीजन, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तब लोग घर पे रह के यू नो दे टेंड टू ऑर्डर फूड एक्सेट्रा, तो ये क्वार्टर उनके लिए फिर से एक अच्छा क्वार्टर साबित हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो एकदम उनकी जो उनके नए इन्वेस्टमेंट खराब हुए थे, जो उन्होंने बिग टिकट एग्जिट्स देखे थे, फिर यू नो ऑल दैट सेलिंग दैट केम फ्रॉम इनिशियल सेलर्स एक्सेट्रा, तो वो अब सब यू नो इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ फॉलिंग इनटू प्लेस और यहाँ से चीजें सुधर सकती है। बट जैसे हमने कहा कि उन्हें क्या है कि इसकी स्टॉक थोड़ा बहुत चल चुका है तो वो ध्यान में रखिए, लेकिन यस आई थिंक नाउ जोमैटो इज ऑन अ मच स्ट्रॉन्गर फुटिंग देन इट यूज्ड। ठीक है, जोमैटो को लेकर ये व्यू लिखे।